नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड सेमेस्टर गणित का आज 16 सितंबर 2021 को पेपर था और इस पेपर का आज हम सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर अपने आंसर्स मैच कर लो कि आपके कितने उत्तर सही हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आप अपने आंसर मैच कर सकेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर ये प्रश्न पत्र दे रखा है, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है? क्षेत्रफल, आयतन, धारिता या फिर परिमाप। अगर यहाँ पर कोई ठोस है और वो स्थान घेर रहा है तो उसे कहेंगे आयतन। ठीक है, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती हैं? तो वो अनंत हो सकती है। मैंने कई बार आपको बताया है कि -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होंगी? अनंत प्राप्त होंगी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है? तो ये देखिए, ये सीधा सीधा फार्मूला दे रखा है a - b² का, a² + b² - 2ab, ये वही दे रखा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अपने अपने आंसर मैच कर लो और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, एक वर्ग का परिमाप 4 है, उसका क्षेत्रफल। ये आज सवेरे ही मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, अगर आपने नहीं देखा था तो फिर बड़ी बुरी बात है। एक वर्ग का जो परिमाप है वो 4 दे रखा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल हमें पता करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? क्षेत्रफल पता करने के लिए हमें भुजा चाहिए होती है, तभी हम भुजा का स्क्वायर करेंगे वर्ग में, ठीक है। तो परिमाप 4 दे रखा है, तो परिमाप के आधार पर हम भुजा निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, यानी 4 × भुजा, 4a = 4 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 1 = 4, ठीक। a कितना आ गया? 1 मीटर, यानी भुजा वर्ग की 1 मीटर आ गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन में कहीं अगर 1 वर्ग मीटर है या 1 मीटर स्क्वायर है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे। और निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है? तो इसका सबसे आसान ट्रिक बताई गई थी पहचानने की, कि लास्ट में देख लो इसमें नंबर है कि नहीं। देखो, इसमें नंबर नहीं है तो यही आपका रेखीय समीकरण नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 6ठा प्रश्न है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो आपको क्या करना था कि एक संख्या रेखा खींच लेनी थी, मान चलो ये है, बीच में 0 आ जाता है, ठीक है, और इस साइड प्लस की संख्या चलती +1, +2, +3। तो यहाँ पर हम लोग इस हिसाब से थोड़ा लेते हैं ताकि हम -4/5 को प्रदर्शित कर सकें। तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब -4/5 है तो हर को देखो कितना है, 5 है, तो माइनस की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप 5 बराबर खाने इनके बीच में खींच लो, खींच गए। अब -4 देख लो, ये होगा -1, ये होगा -2, ये -3 और ये -4। तो ये जो आपकी है ये आपका क्या हो जाएगी? -4/5। इस तरह आपने देखा कि -4/5 को किस तरह आपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, स्तंभाकृति और स्तंभ आरेख में 2 अंतर बताओ। देखो, दोनों में अंतर बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तो अंतर लिखेंगे ही, क्योंकि हमें नंबर चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, स्तंभाकृति में क्या होता है कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको चित्रात्मक प्रदर्शन किया जाता है, और इनकी प्रत्येक वर्गांतर की जो आवृत्ति होती है उसको आयत द्वारा आलेख करके दिखाया जाता है। और स्तंभ आरेख में हम लिख सकते हैं, वह आरेख जिसमें अनेक या एक अनेक दंड या स्तंभ होते हैं उन्हें हम स्तंभ आरेख कह सकते हैं, ठीक है। और इनको जो खींचा जाता है वो इनकी निरूपित मात्रा में अनुपात के अनुसार ही खींचा जाता है। और ये जो स्तंभ होते हैं, यानी जो स्तंभ आरेख होते हैं, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं। मतलब क्षैतिज का मतलब हो गया आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से ये खींचे जा सकते हैं।
अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मासा ज्ञात करना है। मासा आपको मालूम है ना क्या होता है, कि इन दोनों का गुणनखंड कर लो और जो कॉमन हो वही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा, एक्स माइनस वन। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपका एक्स कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस वन, ये आपके सामने क्या हो गया, ये आपके गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ कॉमन है दोनों में, वो है एक्स, तो इसका जो मासा हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा ये, थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब मल्टीप्लाई फोर एक्स वाई क्यूब और डिवाइड बाय सिक्स एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये लिख दिया थ्री एक्स क्यूब वाई क्यूब, पॉइंट लगा इसका मतलब मल्टीप्लाई है ये, फोर एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाय सिक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, या तो इसको मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लो पहले, तीन चौको बारह, अब एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर, ये वाई क्यूब है वाई क्यूब है ये वाई की पावर सिक्स हो जाएगी और नीचे हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर वाई। ध्यान देंगे छः दूना बारह, ये दो कट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक्स की पावर फोर है ये एक्स की पावर टू है, तो ऊपर बचेगा एक्स की पावर टू, ये एक्स वाई की पावर सिक्स है और ये वाई है तो ये वाई की पावर फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, जिसका ये आया है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 है, घनाभ का क्षेत्रफल 125 है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई की बात कर रहे हैं, ये कितना है 125 है, ठीक। इसकी ऊंचाई दे रखी है 4.5, अब आयतन निकालना है, आयतन क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी पहले से दे रखा है 125 और एच आपको यहाँ पर निकाल लेना है 4.5। जब 125 और 4.5 का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके लिख लेना, 125 और 4.5 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वो आएगा करीबन 562.5, ठीक, 562.5 घन मीटर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो इसका 11वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है फिर गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखो कि जैसे स्क्वायर यानी वर्ग करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान चलो कोई फार्मूला बनता है, यहाँ पर फार्मूला ऐसे ही तो बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला बनेगा। या फिर यहाँ पर देखो 4x के साथ माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा बनेगा, यहाँ पर फार्मूला बनेगा a माइनस बी वाला, ठीक। अब हमें क्या चाहिए होता है कि a स्क्वायर चाहिए होता है, वो यहाँ दे रखा है, ठीक है, मान के चलो ये लिख देते हैं a स्क्वायर, और ये होता है माइनस टू a और b, तो यहाँ पर देखो 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो सकता ना, माइनस माइनस लिख दिया, 4 की जगह 2 इंटू 2 कर दिया और x की जगह x रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए होता है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया माइनस 2ab लिख दिया, अब हमें बी स्क्वायर चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमने b किसको माना है, 2 को माना है b, ठीक है, 2 को माना है ना, तो हमें क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा, यानी हमें कम से कम 4 यहाँ पर चाहिए होगा, तभी यहाँ पर हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर 4 लाएंगे, यहाँ पर आपके इस पास क्या है, माइनस का 5 है, अभी हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेम टू सेम देखो, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखा, पहले हम इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस का 4 चाहिए और हमारे पास है माइनस का 5, तो हम क्या कर दें, 9 को जोड़ दें और 9 को घटा दें, ताकि हमारी पूरी इस पर कोई पूरे व्यंजक पर कोई असर ना पड़े। तो हमने इसको क्या किया, प्लस का 9 किया माइनस का 9 कर दिया, ठीक है। अभी इन दोनों काट देंगे तो 0 ही हो जाएगा, पूरी वही हमें जो व्यंजक पहले है वही हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगला जो स्टेप आएगा
ये हो जाएगा माइनस पाँच और प्लस का नौ, ये हो जाएगा प्लस का चार और ये माइनस का नौ, ऐसे ही रखा रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी यहाँ पर x माइनस टू का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो और ये 9 जो है ये आपका ऐसे ही लिख दो। अब ये जो 9 है ये भी किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है आपको मालूम होगा, 3 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये है ए और ये है बी आपका, तो ए ये लिख दिया प्लस बी ये लिख दिया, ए ये लिख दिया माइनस बी ये लिख दिया। आप सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस फाइव, ये इसका सही आंसर होगा। अगर किसी ने ये सीधा सीधा उतार के रख दिया ये आंसर, जब इसको गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में आंसर तो यही आना है, लेकिन इसको क्या करना था, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना था, तो ये इतना पूरा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा तब आपको एक नंबर मिलेगा। इस तरह ये 11 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों अगले जो प्रश्न है 12 से लेकर 18 तक, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसके नंबर मिला लो और नीचे कमेंट बताओ कि 11 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, नीचे फटाफट कमेंट में बता दो। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपने मैच कर लिए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का निशान दबा लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।